तो चलिए क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एग्जांपल्स कर रहे थे हम, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 24 में पहुंच चुके हैं, ठीक है। 23 तक हो चुका था, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। चलिए 4 में भी वही दिया हुआ है, हमें सॉल्व करना है यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है एक्स का, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम उतार लेते हैं, ठीक है। 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin एक्स इक्वल टू 0 दिया हुआ है, हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो 2 cos स्क्वायर एक्स को हम sin में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। हम cos स्क्वायर एक्स को sin स्क्वायर में sin में कन्वर्ट कर लिए, उसका cos को sin में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं अब हम। तो हमारे पास क्या हो गया, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स हो गया हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हम अरेंज करके लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए माइनस अगर कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया हमारे पास यहाँ पर, माइनस 1 कॉमन ले लिए साइन स्क्वायर एक्स, माइनस 3 साइन एक्स, और यहाँ पर माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। और ये माइनस 1 इधर जाके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स को हम लिख सकते हैं ऐसे माइनस, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 4 एक्स सॉरी अरे यार गलती हो जाती है भाई, इक्वल टू देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ठीक है। हम इसको स्प्लिट करके एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। 4 एक्सपेंड कर रहे हैं मतलब स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। 4 साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 बाय माइनस 1 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखिए, अब हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है, स्प्लिट मेथड से। तो देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया हमारे पास, सॉरी 2 साइन एक्स कॉमन आ गया हमारे पास, तो क्या बचा हमारे पास यहाँ पर, साइन एक्स माइनस 2 बचा, यहाँ पर प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 बचेगा, ठीक है। आप देखिए 2 साइन एक्स प्लस 1 साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो हमने फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, इक्वेट कर सकते हैं 0 के साथ, हमने सीखा था क्लास 10 में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 2 साइन एक्स इक्वल टू माइनस 1 और साइन एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये साइड सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए साइन एक्स इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं है, ठीक है, सिंस साइन एक्स इक्वल टू 2 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपने साइन एक्स का ग्राफ बनाया होगा, वहाँ पर रेंज आपने देखा होगा, इज नॉट पॉसिबल बिकॉज रेंज ऑफ साइन एक्स इज माइनस 1 से प्लस 1 तक था, ठीक है। इसका रेंज माइनस 1 से प्लस 1 तक था और ये 2 आ जा रहा है, रेंज के बाहर आ जा रहा है, इसलिए साइन एक्स इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब इसे ही सॉल्व करते हैं हम, इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू नेगेटिव 1 बाई 2 हो गया, और ये हम साइन एक्स इक्वल टू उसको लिख सकते हैं साइन पाई प्लस तो साइन हाफ कब होता है 1 बाई 2 कब होता है साइन पाई बाई 6 पे, ठीक है। तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमें नेगेटिव चाहिए 1 बाई 2, तो नेगेटिव कब होगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए साइन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में भी पॉजिटिव, तो थर्ड ही में होगा नेगेटिव, तो थर्ड में हम पाई प्लस कर दिए, तो साइन एक्स इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 6 हो गया, ठीक है। और अब आपको पता है साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई कब होता है, एक्स इक्वल टू
एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7π/6। ठीक है, ठीक है, एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन 7π/6 वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, पूरा ये एग्जाम्पल का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये मेरा लगभग कंप्लीट हो गया, 24 है, 25, 26, 27, 28, 29 कंप्लीट करने के बाद एग्जाम्पल हम नेक्स्ट चैप्टर के एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल्स आते हैं।